अमेरिका पाकिस्तान करीब तरीन साथी होते हैं और पिछली कई दहाइयों ने इस बात की गवाही दी है। और जैसे ही वो कशमकश ख़त्म होती है, चाहे अफगानिस्तान में रूसी कब्जा हो या उसके बाद अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज और अमरीका की आमद हो, हर मामले में पाकिस्तान की कलीदी हिमायत अमरीका ने की है और अमरीका और पाकिस्तान साथ साथ खड़े रहे हैं। और दोनों कैफियत के ख़त्म होने के बाद अमरीका ने पाकिस्तान का हाथ छोड़ा है। इससे पहले पाकिस्तान पर पाबंदियाँ प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के जरिए आयद कर दी गई थी और अब मौजूदा सूरत हाल में एक बार फिर पाकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलफ हो गई है। एक बार फिर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नाखुशगवार हैं और ये नाखुशगवार कैफियत पाकिस्तान कैसे उबूर कर सकता है, इसका कैसे मुकाबला करे, पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू करने के लिए हमने पाकिस्तान में खारजा उमूर के मुमताज़ तज़ज़ियाकार एनालिस्ट और बड़ा बहुत वसी तजर्बा रखते हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन भी हैं सेनेट की कमेटी बराए दिफा के। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे हम बात करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ऐलानिया कहते हैं और बड़ी शिकवा कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ बड़ा नाजायज़ उसका रवैया है। और अपेरेंटली ये लगता है कि हालिया दौरा जो हुआ, जो NSA हैं मुईद यूसुफ साहब और उसके लिए नंबर वन, और दूसरा हिंदुस्तान के साथ कुछ हद तक हिंदुस्तान की बालादस्ती तस्लीम करे, और दूसरी तीसरी बात है वो चाहते हैं कि चीन के साथ जो हमारी कुर्बत है उसमें कमी आए और सो कॉल्ड बैलेंस। चले हम ये तस्लीम कर लें, चले हम ये तस्लीम कर लें कि वो ये चाहते हैं कि, क्योंकि ये कभी इस तरह से साफ किसी ने बताया नहीं है क्या, इसीलिए मैं आपके तजुर्बे से जानना चाह रहा था कि वो यहाँ पे इंटेलिजेंस पोस्ट चाहते हैं। सर वो इंटेलिजेंस पोस्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हों और उसकी एक तरह से बालादस्ती को कबूल करें। तीसरा, हम चीन से थोड़ा सा फासला करें और उससे क्विड प्रो क्यों क्या है, इसके बदले देंगे क्या वो पाकिस्तान को? यही मजे की बात है, आपने असली सवाल पूछ लिया। अमेरिका के लिए देने के लिए बहुत कम है, सिर्फ यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को शाबाश करेगा, अमेरिका प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर लेगा व्हाइट हाउस के खाने के लिए, और अमेरिका जो है फाटफ के ऊपर आपको रिलीफ दे देगा और छोटा मोटा रिलीफ जो है वर्ल्ड बैंक और IMF में दे देगा। अमेरिका को इन्वेस्ट करने के लिए पैसा देने के लिए नहीं है, अमेरिका आपको मिलिट्री इमदाद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं देगा क्योंकि हिंदुस्तान के साथ उनके मौदे हो चुके हैं। कामरान साहब इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, 3 नवंबर को इलेक्शन हुआ अमेरिकन प्रेसिडेंट का, उससे एक हफ्ता पहले उनके वजीर खारजा पोम्पियो, उनके वजीर दफा एस्पर 26 अक्टूबर को दिल्ली में थे, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया। तो उन्होंने एक वाज़े फैसला कर लिया है हिंदुस्तान के हवाले से कि वो उनका मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर और की प्लेयर है अगेंस्ट चाइना। तो उनका सारा रुख जो है जाविये पाकिस्तान को देख रहा है, या हिंदुस्तान की निगाह से या चाइना के परस्पेक्टिव से। उसके अलावा पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा ज्यादा नहीं है। चंद साल पहले कुलभूषण यादव की पाकिस्तान में गिरफ्तारी से और उसके बाद से मुसलसल नाकाबले तरदीद सबूत साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के बरादराना ताल्लुकात, CPEC, माशी मरासिम और अरबों डॉलर की सरमायाकारी दुश्मन ममालिक को हजम नहीं हो रही, खास तौर पर भारत और उसकी खुफिया एजेंसी रॉ। दासू डैम पावर प्लांट पर हमला जो कि अभी हालिया दिनों में हुआ, ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान इंटेलिजेंस NDS के गठजोड़ का नतीजा था, आज साबित हो गया है। और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस और पुलिस के इदारों ने भरपूर तहकीकात के ज़रिए ये सबूत दुनिया के सामने रख दिया है कि गाड़ी जिससे ये हमला किया गया और उसका खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से भेजा गया था, जबकि पाकिस्तानी सहूलतकारों का भी सुराग मिल चुका है। पिछले माह 14 जुलाई को दहशतगर्द वाक़े में CPEC के तहत दासू डैम प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 9 चीनी इंजीनियर समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। आज इस्लामाबाद में DIG CTD खैबर पख्तूनख्वा जावेद इकबाल के साथ पाकिस्तान के वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दासू डैम वाक़े के हवाले से जो ब्रेक थ्रू हुआ है, जो पाकिस्तान के इदारों ने सुराग हासिल किया है और इसकी जड़ तक पहुँचे हैं, उसकी मालूमात, उसकी तफसीलात मीडिया के साथ और इंटरनेशनल मीडिया के साथ शेयर की। कहा गया कि हमला मनसूबा बंदी के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए
हर लिहाज से अफगानिस्तान में बनाया गया। अफगानिस्तान में इसके मास्टरमाइंड मौजूद थे और अफगानिस्तान से ही वो गाड़ी और खुदकुश हमलावर पाकिस्तान पहुंचाया गया। हम आज आपसे ये शेयर कर सकते हैं कि ये जो वाक्या जो हुआ, इसके जो हैंडलर्स हैं उनकी तह तक भी हम पहुंचे हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें एक चीज तो बड़ी वाजे दिखाई दे रही है कि जो गाड़ी इस्तेमाल की गई, इस वाज स्मगल्ड इनटू पाकिस्तान। हमारी तहकीक के मुताबिक इस वाक्य के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। इसकी प्लानिंग, इसकी एग्जीक्यूशन के, जिसकी मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं वो हमें वाजे तौर पर NDS और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। DIGCTD KPK जावेद इकबाल साहब ने बताया कि दासू वाकये में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी अफगानिस्तान से आई थी। खुदकुश हमला आवर समेत गाड़ी क्राइम सीन तक पहुंचाई गई। कराची से हैंडलर समेत तमाम सहूलतकार गिरफ्तार हो चुके हैं। वाकये में मुलव्वस TTP के 3 मरकजी मुलजमान अफगानिस्तान में हैं, जिनको रॉ और NDS के ऑफिशियल्स हिदायत दे रहे हैं। एक फर्स्ट इन्वॉल्व शख्स था, हुसैन उसका नाम है। ये नवंबर में ये गाड़ी इस शोरूम से वो लेके चला गया था। उसके मोबाइल का डेटा एनालाइज किया, उसके कॉन्टेक्ट्स देके एक दूसरे सस्पेक्ट पे हम पहुंच गए, जो कि कराची में उस वक्त चला गया था। वहाँ से उसको गिरफ्तार किया। कराची से जब दूसरे सस्पेक्ट को हमने उठाया, अयाज नामी, उससे फिर आगे मजीद ये क्लियर हुआ। उन्होंने आगे एग्जीक्यूशन पार्टी को, अब ये दो जो लोग हैं ये यहाँ पे एटलीस्ट पाकिस्तान में मेन हैंडलर हैं, मेन इसको एग्जीक्यूट करने वाले, प्लान करने वाले और सारे मामले को हैंडल करने वाले, उन्होंने आगे एग्जीक्यूशन पार्टी को गाड़ी हैंडओवर की 7 जुलाई को, और गाड़ी को लेके खुदकुश समेत बिल्कुल वकुए तक लेके जाना एक शाम पहले। ये तारिक नामी शख्स जो कि TTP से ताल्लुक़ रखता है, अफगानिस्तान में होता है, वकुए के लिए आया था एंड हैज वेंट बैक वकुए के बाद। उससे सारी जो केस था एटलीस्ट वर्कआउट हो गया, सॉल्व हो गया। 3 जो मेन कैरेक्टर हैं अफगानिस्तान में जो मौजूद हैं, माविया, तारिक भी अब जाके वहाँ बैठ गया दोबारा, उन्होंने ये प्लान किया था और उनको तमाम गाइडेंस, तमाम प्लानिंग, तमाम फैसिलिटेशन वहाँ पे अफगानिस्तान में ही रॉ और NDS के सीनियर ऑफिसर्स उनको डायरेक्ट कर रहे थे। खुदकुश हमलावर जो था, अभी तक इनकी तफ्तीश से, इंट्रोगेशन से जितनी मालूमात हमें मिली है कि खालिद उर्फ शेख उसका नाम था। हमें जो एक थंब और एक फिंगर, दूसरे बॉडी पार्ट्स मिले थे उनके फोरेंसिक एनालिसिस से, एटलीस्ट ही इज नॉट अ रजिस्टर्ड पाकिस्तानी सिटीजन, खालिद एलियस शेख। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीन अब तक होने वाली तहकीकात से मुतमईन है। पाकिस्तान और चीन इस अज़म का इजहार किया कर चुके हैं कि वाकई में मुलव्वस अफराद को न सिर्फ बेनकाब किया जाएगा बल्कि करार वाकई सज़ा भी दी जाएगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस ब्रेक थ्रू के वक्त, जो कि कल मुकम्मल हो गया था, उससे पहले एक बहुत अहम मुलाकात हुई थी। एक बार फिर चीन के सफ़ीर पाकिस्तान में सफ़ीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले थे और ISPR के प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस मौके पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। और ये इतलात ये हैं कि उस वक्त चीन को बाकायदा इस बात की इतला दी गई थी कि पाकिस्तान के तहकीकात कारों ने इस हवाले से और इस हमले के हवाले से न सिर्फ मुलजमान को शराख कर लिया है, इस केस को भी सॉल्व कर लिया है और चीन की इस हवाले से मुकम्मल तसल्ली कराई गई थी।